हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एनालाइजिंग स्टॉक मार्केट। तो आज हम बात करने वाले हैं बजाज होल्डिंग्स के बारे में और उसका स्टॉक एनालिसिस करने वाले हैं 21 अक्टूबर 2022 के लिए। तो चलिए अब हम जाते हैं सीधा हमारे चार्ट पे। तो यहाँ भी ये चार्ट मैंने ओपन कर लिया है। ये चार्ट मैंने अपने जीरोधा के अकाउंट से ओपन किया है। अगर आपके पास अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं है तो नीचे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में जीरोधा की और अपस्टॉक्स की दे दी है। अगर आप चाहें तो हमारे लिंक के थ्रू जो है अपस्टॉक्स में अपना डीमैट अकाउंट जो है वो बिल्कुल ही फ्री में ओपन कर पाओगे और वहां से जो अपनी ट्रेडिंग जर्नी जो स्टार्ट कर पाओगे। तो चलिए अब हम बात करते हैं सबसे पहले बजाज होल्डिंग्स में यहाँ पे आज के दिन क्या हुआ। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं आज के दिन स्टॉक में हमें जो देखने मिला है एक नेगेटिव मोमेंट। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे नेगेटिव मोमेंट की तो 3.96% की नेगेटिव क्लोजिंग हुई। क्लोजिंग एग्जैक्ट हुए 64.67.45 पे। तो क्या आने वाले दिनों में ऐसे जो यहाँ पे नेगेटिव मोमेंट रहने वाले या फिर कोई अपसाइड मोमेंट आने वाले उस बारे में हम बात करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे आपका कल के लिए क्या सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जोन जो स्टॉक में बनता है जरूर जो आपको यहाँ पे मार्क करके बताएंगे। और यहाँ पे आज के क्लोजिंग के बेसिस पे हमें क्या लगता है स्टॉक में कल के दिन क्या हो सकता है जरूर जो हमारा एक ओपिनियन भी देंगे। चलिए जाते हैं हमारे वन डे के चार्ट में और वहां पे देखते हैं स्टॉक में आने वाले दिनों में हमें क्या देखने मिलने वाला है। तो यहाँ पे वन डे का चार्ट हमने ऑलरेडी ओपन करके रखा है। मैं बात करूँ वॉल्यूम की, एवरेज से हमें वॉल्यूम जो देखने मिला, कैंडल यहाँ पे जरूर मीडियम से नीचे की साइड में छोटी से हमें विक भी जो देखने मिल रही है। बात अगर मैं करूँ आरएसआई की, 47-48 के आसपास हमारा आरएसआई जो है आ चुका जो हमें यहाँ पे जरूर एक पॉजिटिव मोमेंट का जो इशारा देता है। लेकिन याद रखना आरएसआई हो या फिर कोई और इंडिकेटर, हम जो है सिर्फ और सिर्फ इंडिकेटर्स पे भरोसा नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो किसी भी स्टॉक को जो मोमेंट देते हैं हमें जो है उसे जरूर कंसिडर करना चाहिए जब भी हम किसी भी स्टॉक में ट्रेड करें। अब रही बात मेरे ओपिनियन की इस स्टॉक में आने वाले दिनों के लिए, करंटली आने वाले दिनों के लिए स्टॉक में मेरा ओपिनियन यहाँ पे जरूर जो है एक यहाँ पे न्यूट्रल सा है। यानी कि आने वाले दिनों में स्टॉक जो है जरूर एक डाउन साइड मोमेंट देने वाला, लेकिन फिर रिवर्सल भी हमें देखने मिलेगा। तो फिलहाल मैं आपको बताऊँ स्टॉक में हमारा ओपिनियन जरूर जो है एग्जैक्ट यहाँ पे डाउन साइड का थोड़ा सा बन रहा है। 63.97 के आसपास हमें जरूर जो है डाउन साइड मोमेंट देखने वाला। अगर उसको भी क्रॉस कर देगा तो स्टॉक में इजिली डाउन साइड जो है 62.84 के आसपास देखने मिलेगा। तो थोड़ा सा जरूर जो आप स्टॉक में कॉशियसली काम करें। बाकी मैं आपको जरूर रेकमेंड करूँगा इंट्राडे में जितना हो सके बाइंग साइड की अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करें, क्योंकि वहीं पे आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो जो है आपके फेवर में होगा, वहां पे ही आपको प्रॉफिटेबिलिटी जो देखने मिलेगी। बाकी आपको क्या लगता है स्टॉक में आने वाले दिनों में क्या हो सकता है हमें जरूर कमेंट करके बताना। लेकिन अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो अभी के अभी जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ जो बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन जो है ऑन कर ले, क्योंकि हम जो है आप सभी के लिए एवरी डे 4 स्टॉक से एनालाइज करके लाते हैं और यहाँ पे नेक्स्ट डे और आने वाले दिनों में जो स्टॉक में क्या देखने मिलने वाला है पूरा का पूरा यहाँ पे आपको जो है चार्ट के बेसिस पे समझाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए अब जाते हैं हमारे 1 आवर के चार्ट में, बात करते हैं कल के दिन हमें क्या देखने मिलने वाला। तो यहाँ पे 1 आवर का चार्ट जो हमने ऑलरेडी ओपन करके रखा है, ऑलरेडी कुछ सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जो है मार्क्ड है। लेकिन क्योंकि स्टॉक में जो यहाँ पे हमें कुछ नया डेटा जो बनते हुए देखने वाला, जरूर जो हम इन डेटा को मार्क करके रखेंगे ताकि यहाँ पे कोई भी जो है यहाँ पे अगर हमें जो है अपसाइड मोमेंट या डाउनसाइड मोमेंट ज्यादा देखने मिले तो हम जो है इसकी मदद से अपना सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जोन जो है जरूर मार्क करेंगे। तो यहाँ पे अपना टारगेट और स्टॉप लॉस को मेंटेन करने के लिए हमें जो है जरूर हेल्प करता है स्टॉप लॉस और यहाँ पे जो है सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस, तो जरूर जो आप सेम टू सेम मार्क कर ले। बाकी यहाँ पे अब हमारी मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है, बात हम करते हैं इसके क्लोजिंग की। तो क्लोजिंग यहाँ पे 64.67 के आसपास यहाँ पे हमारी क्लोजिंग हुई है। डायरेक्ट सपोर्ट आता है 64.52 का, डायरेक्ट रेजिस्टेंस आता है 64.84 का। तो याद रखना डायरेक्ट सपोर्ट से डायरेक्ट रेजिस्टेंस का जो एरिया होता है उसे हम कहते हैं नो ट्रेडिंग एरिया। इसका मतलब है इस रेंज में अगर आपको स्टॉक जो है घूमते हुए देखने मिले तो यहाँ पे आपको बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना है। आपको जो है वेट करना है दोनों में से किसी भी एक साइड में स्टॉक जो हमारा क्रॉस हो और फिर कन्फर्मेशन कैंडल को देखते हुए यहाँ पे अपना ट्रेड लेना है। अगर आपको नहीं पता है कन्फर्मेशन कैंडल क्या होती है तो आई बटन में मैंने यहाँ पे कॉन्सेप्ट एंड टारगेटिंग स्ट्रेटेजी का जो वीडियो एड किया है जरूर जब उस वीडियो को देख ले। वहां पे हमने किस तरह से आपको कंफर्मेशन कैंडल देखनी है, किस तरह से आप अपना टारगेट और स्टॉप लॉस को जो है मेंटेन करते हुए चलना है, साथ ही साथ इंट्राडे में चाहे हमारा स्टॉक नीचे जाए या फिर ऊपर जाए आप किस तरह से इंट्राडे में जो प्रॉफिट कर सकते हैं वो भी हमने आपको समझाया है। तो जरूर जो है आप उस वीडियो को पूरा का पूरा देख लें। अब रही बात मेरे ओपिनियन की इस स्टॉक में कल के लिए, तो कल का मेरा ओपिनियन कहने से पहले इंपॉर्टेंट दो सपोर्ट जोन और दो रेजिस्टेंस यहाँ पे क्या बनते हैं आफ्टर डायरेक्ट सपोर्ट एंड डायरेक्ट रेजिस्टेंस, वो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे डायरेक्ट सपोर्ट क्या अगला सपोर्ट आता है 64.09 का, उसके बाद क्या था 63.76 का। यहाँ पे डायरेक्ट रेजिस्टेंस के बाद का अगला रेजिस्टेंस आता है 65.30 का, उसके बाद क्या था 65.77 का। तो यहाँ पे मैंने जो दो सपोर्ट
और दो रीजन आपको बताए हैं, जरूर जब उसी को कंसीडर में रखते हो जो अपना यहाँ पे कल के दिन का जो ट्रेड ले। अब रही बात मेरे ओपिनियन की इस स्टॉक में, आज के क्लोजिंग के बेसिस पे कल के लिए कहूँ, मेरा ओपिनियन स्टॉक में यहाँ पे जरूर एक पॉजिटिव क्लोजिंग का है। 6484 से लेकर 6530 के रेंज में हमें जरूर जो एक्सपेक्टेशन है क्लोजिंग की। बाकी यहाँ पे जो है हमें कल के दिन थोड़ा सा जो कॉशियसली काम करना चाहिए स्टॉक में, यहाँ पे कल के दिन हमारा जो है अर्निंग्स रिलीज होना है, तो यहाँ पे थोड़ा सा हमें जो वॉलिटिलिटी स्टॉक में देखने मिलेगी। लेकिन ओवरऑल कल के दिन हमारा पॉजिटिव साइड का ही यहाँ पे जो क्लोजिंग का ओपिनियन आ रहा है, और इवन एक्सपेक्टेशन थोड़ी सी और भी जो ऊपर हमें जाते हुए देखने भी मिल सकता है। तो यहाँ पे ओवरऑल पॉजिटिव यहाँ पे हमारी क्लोजिंग का जो है एक्सपेक्टेशन है। आपको क्या लगता है कल के दिन क्या हो सकता है हमें जरूर कमेंट करके बताना, और अगर आपको हमारा एनालिसिस पसंद आया तो कृपया हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।